हेलो फ्रेंड्स, फ्री कुकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टेंडर कोकोनट आइसक्रीम। आइए बनाना शुरू करते हैं। टेंडर कोकोनट आइसक्रीम कैसे बनती है? फ्रेंड्स, टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है वो इस प्रकार है। 1/4 कप मिल्क, 1 TBSP कोकोनट मिल्क पाउडर, देखिए ऐसा आता है मार्केट में, 1/2 TSP कोकोनट एसेंस, 1 TBSP चॉप्ड कोकोनट जो बाजार घर में जो हमारे होते हैं ऐसे ना गोले इस तरह के, 1 कप वनीला वेस। इसका लिंक हमारी वीडियो के नीचे दिया गया है, वनीला वेस कैसे बनाएं। आइए बनाना शुरू करते हैं टेंडर कोकोनट आइसक्रीम। फ्रेंड्स, टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले पैन लेंगे, उसमें 1/4 कप दूध डालेंगे, फिर उसमें ये कोकोनट मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, जो हमारे चॉप्ड कोकोनट है वे भी ऐड कर देंगे इसमें, फिर इसको कुक करेंगे। इसको कुक तब तक करना है जितना ये दूध ख़त्म नहीं हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कोकोनट कुक हो गया है और इसको थोड़ा सा इस तरह से ही क्रीमी रखना है और ठंडा होने के लिए रखना है। फ्रेंड्स, एक बाउल लें, उसमें वनीला वेस्ट डालें, फ्रेंड्स इसमें हम कोकोनट डालेंगे जो हमने कुक किया था, और कोकोनट एसेंस डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको जमने के लिए फ्रिज में रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए। फ्रेंड्स, हमारी टेंडर कोकोनट आइसक्रीम जमकर सेट हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी टेंडर कोकोनट आइसक्रीम की प्लेटिंग हो गई है। अगर आप इस पर चाहोगे तो आप नारियल का जो बुरादा आता है वो भी आप इस पर डाल सकते हो। ये किराना स्टोर पर मिल जाता है। ये देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। श्री राधे कृष्णा।